नमस्कार। 51 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूं, पहले उंगलियों के फल बताता हूं, फिर पर्वों के, उसके बाद रेखाओं के। वर्तमान की गतिविधि किस प्रकार से चल रही है ये मैं सब क्रम से आपको बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छी अरदास्त है, जीवन के अंदर किसी से तू तड़ाक के तहत बात नहीं करते हैं। प्रथम मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत है, आज भी मन के अंदर मानसिक स्थिति से लड़ने की ताकत है। सेकंड पर व्यवहारिक बहुत सुंदर है, उसमें किसी प्रकार से खराब व्यवहार के चिन्ह नहीं हैं। और तीसरा पर आर्थिक, उस पर कुछ राहु रेखाएं लगी हुई हैं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के लिए वर्तमान में संघर्ष है। आइए बात करता हूं मैं आपकी यहां पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य उंगली का प्रथम पर्व, ईश्वर कृपा से अभी कोई बीपी जैसा रोग का एंट्रेंस नहीं हो पाई है, या कोई क्रोध से काम बिगाड़ने की स्थिति नहीं है, या आँखों का कोई नंबर बढ़ने का योग नहीं है। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ के संकेत नहीं है। तीसरा पर्व परिवार का, यानी पिता का, और पिता से कोई विशेष रूप से नहीं, सामान्य तरह का लाभ मिला है। आपने बुढ़ापे में माता पिता की सेवा भी की है, क्योंकि आपकी शनि की और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है। यहाँ पर बात करता हूँ, थोड़ा सा टर्न लेकर के शनि की उंगली है। जब जब शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी नाम बोलते से भी आएंगी, तब तब आपके जीवन में परेशानी करेंगी, इसलिए इस समय शनि का थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें वो अच्छा रहेगा। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का लगना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत नुकसान, कर्ज और साथ ही साथ आर्थिक स्थितियों के लिए संघर्ष, ये जाना जाता है। थर्ड पर्वत पर कुल मिलाकर के यदि देखें जैसे भी है, लेकिन फिर भी परिवार का संचालन आप कर लेते हैं। बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसा कोई रोग दिखाई नहीं देता प्रथम पर्व से। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की माइनस रेखा है, बस परिवार में थोड़ा बहुत कलह रहता होगा, जिसकी वजह से मामूली सा पत्नी के साथ में विवाद हो जाता होगा, थोड़ी बहुत कहा सुनी बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं है। यहाँ पर थर्ड पर्व संतान का सुख सहयोग आपके साथ है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व, चलिए यहाँ से देखता हूँ, दूसरे हाथ में भी देख लेता हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसी रेखाएं हैं जो बिल्कुल अस्थ स्थिति में दिखलाई पड़ती हैं, यानी ये रेखाएं वो हैं जिनके हिसाब से ऐसा तो नहीं कह सकते व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी है और साथ ही साथ निरंतर धन कमाने की रेखाएं भी हैं ये। बस हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत समय के लिए ऐसी चाल आती है कि उसमें व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका थोड़ा सा पहिया घूमना बंद हो जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 महीने से आप खाली बैठे हैं, तो ऐसा थोड़ा बहुत देख लेता हूं मैं कहां पर रेखा से बता दूंगा, उसके बाद में फिर ये दोबारा से स्थिरता से धन आपका आने लगेगा, ऐसा दिखता है। यहाँ पर सूर्य पर्व की बात करता हूँ, इसके द्वारा कहीं भी अगर देखता हूँ तो कोई राज्य सरकार से संबंधित कार्य से ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर ये प्रयासरत रेखाएँ हैं, व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है और अपना सम्मान बचाने के लिए प्रयास करता है, इतनी इन रेखाओं का फल माना जाता है। यहाँ बात करूँगा मैं आपके भाग्य पर्व पर। भाग्य पर्व पर दो स्थायी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। इन रेखाओं के होते हुए आदमी को किसी भी चीज़ से डरना ही नहीं चाहिए। जब ये रेखाएं आपके पास होंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत आपको ऊंचाइयों को प्राप्त करा देंगी, आपको हर दलदल से निकाल देंगी। इस तरह की अच्छी भाग्य रेखा आपके पास शनि पर्व पर है। पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा डर है आपके मन के अंदर, एक मछली का सा चिन्ह भी है जो अंत में आपके जीवन को सुखी बनाएगा। साथ ही साथ बता देता हूँ मैं आपको दूसरी बात कि ये जो भाग्य रेखा है दोनों हृदय रेखा से निकली हुई है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में आने वाले समय में संतान से सुख सहयोग के द्वारा आप अपनी स्थिति से ज़्यादा निकलेंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व बिल्कुल यहाँ जरा एक तरह से खाली पड़ा है, इसका खाली होना अच्छा नहीं कहलाता। जब ऐसा खाली होता है तो व्यक्ति
कुल मिलाकर अपने जीवन में अच्छे धन की आगमन नहीं बनाता, थोड़ा सा राहु रेखा और गिर गई नीचे से, यानी कुल मिलाकर ना भक्ति के लिए मन करता है, ना किसी चीज़ में मन लगता है, ना कोई अच्छा सुंदर मकान बना पाते हैं, ना अच्छे संसाधन जुड़ा पाते हैं, कुल मिलाकर ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर पाते हैं, इस तरह की यहाँ स्थिति है, तो उससे कोई डर डरने की आवश्यकता है नहीं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही अगर देखता हूँ तो किसी प्रकार का इसमें से कोई ऐसी रेखा नहीं है कि जो गिर करके आपके जीवन के अंदर आपको किसी तरह की समस्या का सामना कराए। यहाँ पर मन के अंदर अच्छी शक्ति है, अच्छी इच्छा शक्ति है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और अपने मन से सबके हित के बारे में सोचते हैं। अच्छी सुंदर हृदय रेखा है, कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है और साथ ही साथ पत्नी से किसी प्रकार के झगड़े झंझट तलाक नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर निम्न मंगल पद के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यदि इसको देखें तो यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो बताएंगी आपके जीवन में मेहनत का अर्थ। ये रेखा यहाँ से निकली और सूर्य पर्व के साथ इसने संबंध बनाया, यानी व्यक्ति मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, दूर दूर स्थानों तक भी यात्रा कर लेता है कर्म के अनुपार के लिए, और बहुत अच्छी रेखा ये कह सकता हूँ यहाँ अपने अपने आप में मेहनत करने की रेखा यहाँ पर इनके हाथ के अंदर है। लेकिन क्योंकि अंदर एक्स लगा हुआ है तो भाग दौड़ के बाद व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ से धन प्राप्त करने के लिए एक रेखा और जा रही है, आप बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब ये रेखाएं काट कर जाती हैं भाग्य रेखा को, बुद्धि रेखा को, तो आपको परेशानी भी पैदा करती हैं। तो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन फल यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा डाउन हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा घबरा जाता है, कभी कभी घबरा जाता है, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी घबरा जाता है, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को उठा लेता है और दोबारा से अपने कार्यपथ पर चलने लगता है। तो ये इस तरह की बुद्धि रेखा अच्छी ही कहलाती है, किसी प्रकार से खराब बुद्धि रेखा नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा, कोई झंझट कुछ नहीं होने वाला है। मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, चंद्रमा बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार से विदेश से जुड़ने के योग नहीं है, तो किसी प्रकार से किसी बुरे आदत के शिकार आप नहीं हैं। कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा गतिमान रेखाएं हैं, केतु पर्वत से भी कुछ एक आध रेखा काटती हैं तो व्यापार की तरफ ये अपने आप में ज़्यादा प्रभावित कर लेती हैं। तो यहाँ पर व्यापारिक स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं है, बुद्ध रेखाएं भी बहुत विचलित है, इसलिए व्यापारिक रेखा बहुत मजबूत नहीं है। भाग्य रेखा की बात करता हूँ, भाग्य रेखा इस तरह से गई यहाँ तक 35 के पास छोड़ दिया, फिर एक दूसरी भाग्य रेखा का उदय होता है, फिर थोड़ा सा डबलिंग करके 35 के बाद चलती है, फिर ये दो दो नाव पर सवा, यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक ये है और एक हल्की सी ऊपर, यानी कि दो दो काम को आप संभाल करके चलते हैं किसी ना किसी तरीके से। आपके काम में हो सकता है नौकरी के साथ थोड़ा सा व्यवसाय करते हो या व्यवसाय के साथ थोड़ा सा नौकरी करते हो, लेकिन ये कवरेज रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आपको काम दिलाती रहेगी, किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भाग्य रेखा थी इस तरीके से, लेकिन इसकी गतिविधि आपकी 51 वर्ष में क्या है ये मैं आपके सवाल में बताऊँगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यदि मैं देखूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर एक तरह से मार्वल्स चटकदार रेखाएं पड़ी हुई हैं, यानी अच्छे संसाधनों के लिए खराब मानी जाती हैं। तो ये अपने आप में संघर्ष बना हुआ है आपके जीवन के अंतर्गत, इस प्रकार को दिखाती हैं। संतान रेखाएं तो आपके हाथ से 2 से 3 चमक रही हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो अब बताते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से चल करके और इस प्रकार से ये मणिबंध के साथ संबंध बनाती है, यानी कुल मिलाकर 75-76 वर्ष की आयु है। तो ये सब मैंने यहाँ पर आपकी सारी रेखाओं को क्रम से पढ़ने का प्रयास किया। रेखाओं को पढ़ना अलग होता है, सवालों का जवाब देना कई पर्वतों से देखा जाता है। नंबर एक आपका सवाल है 3 महीने से घर बैठा हूँ, तो चलिए मैं आपके 51 वर्ष पर पहुँचता हूँ। जहाँ मैं आपके 51 वर्ष पर पहुँचता हूँ वहाँ पर ये एक बड़ी रेखा यहाँ से होकर के वैली जो आई थी, ये रेखा यहाँ से इसको काटती है।
यानी यहाँ मेहनत और भागदौड़ करने के बाद भाग्य रेखा को 51वें वर्ष में आपकी इस रेखा ने लगभग लगभग काट दिया, यानी इस जगह पर काट दिया। और इसके बाद आपके बाद दोबारा रेखा देखता हूँ तो वो थोड़ा सा बनती है और बिल्कुल मध्यम किस्म से, और 55 वर्ष के बाद तो दो भाग्य रेखा खड़ी हो जाती हैं, यानी 55 के बाद बहुत अच्छा होगा। आने वाले 4 साल आपका स्ट्रगल बहुत तकड़ा होगा, तो ये आने वाले 4 साल के समय अच्छा यहाँ पर सहयोग नहीं है, और उसके बाद भी संतान का सुख सहयोग के साथ और आप अपने सहयोग से अच्छा बढ़ेंगे। तो आपको 4 साल अच्छी खासी संघर्ष है, उससे निकलने के लिए क्या क्या पाठ है मैं बताऊँगा। तो अभी यहाँ पर आपके लिए आपने कहा कौन सा काम करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं उस समय पर कोई भी नया काम करना इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पहले से 10 लाख का कर्ज और फिर 10 नए काम के लिए, ऊपर से दशा ठीक नहीं है। तो जब दशा ठीक नहीं होगी तो आप किसी भी नए काम को करेंगे तो वो आपको लाभ नहीं देगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि जो भी काम आप अब तक करते रहे हैं उसी का आपको एक्सपीरियंस भी है, उसको आपका अनुभव भी है, आप उसी में चलते रहें और उसी में स्रोत ढूंढें अच्छे धन के निकालने के। ये शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा आपको लाभ दिलाएगी। तो यहाँ आपको बिजनेस नहीं बदलना है, और आपने कहा मुझ पर 10 लाख का कर्ज है कैसे उतरेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से उतरेगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आपके 55 वर्ष के बाद आपके स्रोत बहुत अच्छे मजबूत बन जाएंगे और आप अच्छी तरीके से सब कुछ उतार पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी बिल्कुल, कर्जा उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार के मुकदमे के कोई भी यहाँ पर योग आपके हाथ के अंदर नहीं है, आप चिंता ना करें। बस कुल मिलाकर के अपने जीवन में बस प्रयास करते रहें, क्योंकि चंद्र पर्वत बहुत मजबूत है, मानसिक स्थिति को भी निकाल जाएंगे और रोगों से भी आप लड़ जाएंगे। बस आपको क्या करना है ये मैं थोड़ा सा उपाय बताता हूँ। शायद पुखराज आपने पहन रखा है, पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूजा विशेष रूप से करनी है। रतन का लाभ नहीं है, कोई अगर लोहे का छल्ला पहन रखा है तो ठीक है, लेकिन नीलम मत पहनिएगा। श्री सुक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, आपको नित्य अपनी पूजा में श्री सुक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन आप यदि इसको निरंतर पढ़ गए तो आप विश्वास मानिए धन की वर्षा भी होगी, कर्ज भी उतरेगा और जीवन के अंदर संपन्नता भी प्राप्त होगी। करें इसे, इसका लगभग लगभग 8 से 10 महीने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आप करें और जीवन अच्छी तरह की करें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।